हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, और यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, उनमें आती है सबसे पहले बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा। और जिसको हम सिंपल वे से लिख सकते हैं, बिग ओ का मतलब क्या होता है, एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। सी यहां पे क्या है, कांस्टेंट। आप इसको सिंपल टर्म में अगर लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेट्स से ए लेस देन इक्वल टू बी, दैट्स इट। एफ एन अगर मैं ए मान लू, जी एन इज इक्वल टू बी, तो आप सिंपल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू बी। हाँ, यहां पे सी की वैल्यू भी है, लेकिन हम सी को अगर नहीं लिखना चाहते, सिंपल वे से आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ऐसे बिग ओमेगा की बात करें तो इसका मतलब क्या है, एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, वेयर सी इज अगेन द कॉन्स्टेंट। तो आप सिंपल वे से इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा का मतलब क्या है कि जो एफ एन है वो जी एन से बड़ा होना चाहिए और जी एन से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एन शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी एन, जिसको आप कह सकते हो सी डॉट जी एन, या सिंपल वे से आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी, दैट्स इट। अब यहां पे बात करें, अगर इसको फिर भी आप देखना चाहते हो, लेट से अगर हम एफ एन की बात करें, एफ एन इज टू एन स्क्वेयर। सिंपल सा मतलब है, अगर हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो है 2n स्क्वायर। अब अगर मेरे को इससे ग्रेटर फंक्शन लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रेटर क्या आएगा, n स्क्वायर। क्लोजेस्ट आपको लिखना है, बिल्कुल टाइटेस्ट यहां पे लिखना है, तो टाइटेस्ट में क्लोजर क्या आएगा आपका, n स्क्वायर। और टाइटेस्ट में लोअर भी आपका क्या आएगा, n square, that is called the greatest lower bound and least upper bound। अब यहां पे बात करें C2 की, तो यहां पे आप C2 की value क्या क्या ले लो, 3। और यहां पे अगर बात करें C1 की value आप ले लो 1। तो देखो 1 dot n square मतलब n square is always less than equal to 2 n square and it is always less than equal to 3 dot n square। तो इसका मतलब क्या है कि fn की value जो है वो gn के बराबर, मतलब a is equal to b। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मॉल ओ। स्मॉल ओ का मतलब है fn less than c dot gn। तो डिफरेंस यहां पे क्या है कि बिग ओ में हमारे पास इक्वल टू है, यहां पे इक्वल टू नहीं है। तो आप सिंपल वे से लिख सकते हो a less than b। और लास्ट आता है हमारे पास स्मॉल ओमेगा, इसका मतलब है a greater than b, क्योंकि बिग ओमेगा में हमारे पास इक्वल टू है, यहां पे इक्वल टू नहीं है। तो अगर आप इसको और तरीके से समझना चाहते हो, तो लेट्स से अगर मेरे पास fn है n square, अगर मेरे पास fn है कोई फंक्शन, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तो gn यहां पे क्या आएगा, gn आएगा n क्यूब, n4, n5। आपको यहां पे अपर बाउंड लिखना है, लेकिन टाइटेस्ट क्लोजर नहीं लिखना, क्योंकि यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है। तो आप n क्यूब लिखो, n पावर 4 लिखो, 2 पावर n, सारे बड़े फंक्शन यहां पे लिख सकते हो। और यहां पे अगर बात करें, लेट्स से fn n स्क्वायर है, तो ये बड़ा होना चाहिए। अब gn यहां पे कितना होना चाहिए, gn यहां पे क्या हो सकता है, n हो सकता है, log n हो सकता है, और यहां पे n की पावर 1/2 हो सकता है, log ऑफ log n हो सकता है। मतलब छोटी वैल्यू यहां पे लेनी है, बराबर नहीं लेनी, क्योंकि बिग ओ में और बिग ओमेगा में हम इक्वल टू यूज करते हैं। तो यहां पे हम टाइटेस्ट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहां पे हम टाइटेस्ट वैल्यू नहीं लिखते, हमें लोअर वैल्यू या अपर वैल्यू लिखनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा एंड स्मॉल O and small omega। अब बात करते हैं reflexive, symmetric, transitive। reflexive का मतलब क्या होता है कि एक function को, एक value को हम उसके साथ ही equality जो है वो check करते हैं। मतलब एक number को हम check करते हैं कि a is equal to a है या नहीं। मतलब अगर मैंने इस तरफ भी ये रखा, इस तरफ भी ये, तो दोनों को हमने बराबर रखना है। तो सिंपल सा मतलब है, अगर हम बात करें बिग ओ की, तो देखो बिग ओ में अगर मैं एफ एन की वैल्यू ले लू एन स्क्वायर और जी एन की वैल्यू ले लू एन स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है। जहां पे भी आपको इक्वल टू साइन आएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वहां पे होल्ड करेगी। ऐसी अगर हम बात करें बिग ओमेगा की, तो बिग ओमेगा में भी देखो इक्वल टू साइन आ रहा है। यहां पे हम, जैसे हमने यहां पे बात की कि अगर मैं एफ एन एन स्क्वायर ले लूं, तो जी एन भी क्या होगा, एन स्क्वायर ही होगा। हाँ, सी की वैल्यू जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फंक्शन जो है वो वहां पे क्या होगा, बराबर हो सकता है। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। थीटा में तो वैसे ही इक्वल टू है, तो आप डायरेक्टली यहां पे देख के जो है वो लिख सकते हो, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी, a की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, b की वैल्यू भी 1 ही पुट करनी पड़ेगी, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1,
ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है. यहाँ पे बात करें दोनों तरफ, अगर मैं लेट्स से 1 1 पुट करूं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू. 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू. नेक्स्ट अगर बात करें स्मॉल ओ, स्मॉल ओ में देखो 1 लेस देन 1, नहीं 1 लेस देन इक्वल टू 1 इज फाइन, बट 1 इज नॉट लेस देन 1, तो यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही. स्मॉल ओमेगा में भी देखो 1 ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ आपको सेम वैल्यू पुट करनी पड़ती है रिफ्लेक्सिव के केस में, क्योंकि सेल्फ लूप है, सेल्फ चेकिंग होती है. तो 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स, तो यानी इन दोनों में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, बाकी तीनों में हो रही है. नेक्स्ट आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स से ए ग्रेटर देन बी है तो बी जो है वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए. ए अगर ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको यहां पे बिग ओ में बात करें तो ये लेट्स से कि अगर मैं एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर ले लूं, मतलब ए की वैल्यू एन स्क्वायर ले लूं और बी की वैल्यू लेट्स से मैं ले लेता हूं यहां पे एन क्यूब, तो एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब है. लेकिन क्या एन क्यूब ग्रेटर देन, या आप कह सकते हो कि क्या एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब है, मतलब ए अगर लेस देन बी है तो बी लेस देन ए होना चाहिए, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है क्योंकि ए वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, इससे बड़ी. तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड नहीं हो रही. इक्वल टू के केस में हो रही है, मतलब अगर आप दोनों तरफ इक्वल टू लोगे, बट दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. बट सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर 1 लेस देन 2 है तो 2 भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड नहीं होगी. और ना ही कहां पे होगी, बिग ओमेगा के केस में, सेम ही फंड है. थीटा के केस में ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है, क्योंकि थीटा के केस में हम लिखते हैं इक्वल टू, मतलब ए इज इक्वल टू बी, b is equal to a. Obviously, अगर आप let's say n square is equal to n square, और अगर उल्टा भी लिख सकते हो तो n square is equal to n square. तो यानी ये point यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ थीटा के केस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है. सेम अगर हम बात करें स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा के केस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू तो है ही नहीं. नेक्स्ट आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि लेट्स से अगर फंक्शन एफ एन बिगो ऑफ जी एन है एंड जी एन इज बिगो ऑफ एच एन है, ये दी है, गिवन है कि एफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी एन एंड इट इज गिवन दैट जी एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ एच एन, तो एफ एन शुड बी बिगो ऑफ एच एन होना चाहिए. तो आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लियरली आपको यहां पे विजिबल है. लेट्स से अगर मैं एफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर ले लूं और यहां पे मैं ले लूं एन क्यूब, तो बिगो का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, तो एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन क्यूब है. और यहां पे लेट्स से जी एन क्या है मेरे पास, एन क्यूब, तो ग्रेटर का मतलब क्या है, आप एन क्यूब ले लो, एन की पावर फोर ले लो. ऑब्वियसली इसका मतलब है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी होगा. ट्रू होगा या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू होगा, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. सेम इन द केस ऑफ बिग ओमेगा में, बस साइन आप चेंज कर लो, मतलब अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए. ऑब्वियसली ये होगा ही होगा, तो यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रही है बिग ओमेगा के केस में. थीटा के केस में भी ऑब्वियसली इक्वल टू है, तो इक्वल टू के केस में तो डेफिनेटली ए अगर बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा ही होगा. ऐसे अगर बात करें स्मॉल ओ के केस में, ऑब्वियसली यहां भी करेगी कि अगर लेट्स से ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा, यस. और सेम अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या ए सी से बड़ा होगा? ऑब्वियसली होगा. तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, कई बार क्या होता है थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें, ऑल्दो थ्योरी क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. थैंक यू.